শিরাদের आप सुन रहे हैं निर्गुण भजन की प्रस्तुति संगीत और सत्संग की गंगा जो बह रही है। इसमें बड़ी ही सुंदर बात है, आप सभी के सहयोग से आपके बीच तक पहुंचाई जा रही है। सुन ले इंसान तू बनकर नादान तू। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नादान बनकर के जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो नादान बनकर के कुछ गलतियां करते हैं, कुछ पाप करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है। चलो आप सोच रहे हो आपकी सोच अच्छी है, लेकिन प्यारे ये दुनिया वाले तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक देखने वाला है जो पल पल की खबर रखता है। उससे एक पल की भी नहीं छिपी हुई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुकरा। हम तुम सभी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंस करके अपनों का साथ छोड़ता है, जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंस करके अपनों का साथ छोड़ता है प्यारे, उसका कोई भी अपना नहीं बनता और अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। इसलिए बताया गया है कर्मगत टारे नाई टरी। कर्म की गति को कोई टाल नहीं सकता है। कर्मन से भाई बंद मिले, कर्मन से रिश्तेदारी रे, कर्मन से बगुला शेत वरन, कर्मन से कोयल कारी रे। अब सोचिएगा आप, सब कुछ कर्मों पर डिपेंड है। इसलिए स्वार्थ में मत जियो, अपने लिए तो हम जी ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं, वही जिंदगी है, वही जीवन है। जिस दिन हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे, कुछ करने की सोचेंगे, तो समझ लो कि आपका जो मानव जीवन है ना, वो सफल हो गया, उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है। हाँ तो सुनिएगा मेरे संगीत और सत्संग के प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति इस सत्संग के महापर्व में, आइए सुनते हैं। सुन ले इंसान तो बन कर नादान तो, सुन ले इंसान तो बन कर नादान तो, फिरता क्यों मारा मारा इतना ना कभी बेचारा, फिरता क्यों मारा मारा इतना ना कभी बेचारा, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है। क्या बताया है सुनिएगा प्यारे इंसान, इस
इसलिए भेजा है तुझे इस दुनिया में, और तू क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, जरा सोचिए। अरे वादा जो करके आया उसको तू भूल गया, यारे भूल चुका है माया में फंस के। अरे धन ही आधार समझा माया में तूल गया, ओ धन ही समझा माया में तूल गया। ओ अरे होकर विषयों में अंधा, करके नित काम गंदा, ईश्वर को बुलाया है हरि को बुलाया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है। प्यारे ये गंदे काम और अंधा बन करके करने में अच्छा बहुत लगता है, लेकिन इनका परिणाम बहुत ही बुरा निकलता है, इसलिए सोचिएगा क्या गलत है और क्या सही है। सब कुछ जानने के लिए बुद्धि दी है। ईश्वर से मिलना चाहता है मन का सुधार कर, अरे ईश्वर से मिलना चाहता है मन का सुधार कर, हाँ ईश्वर से आवे राम प्राणी से तू प्यार कर। ईश्वर से आवे राम प्राणी से तू प्यार कर, ओ तज दे सब काम गंदा, ईश्वर का हो जा बंदा, जिसने जग रचाया है, जिसने जग रचाया है, जग में तू आया है, जग में क्यों आया है। अरे जिसने जग रचा है, हरि का बनता हो जा, वो तेरे अपने आप सारे काम करेगा। अरे जो नेकी करता जग में उसको अच्छा कहते हैं, अरे जो नेकी करता जग में उसको अच्छा कहते हैं, ओ नाम ही बस रह जाएगा वेद शास्त्र सब कहते हैं, ओ नाम ही बस रह जाएगा वेद शास्त्र सब कहते हैं। विषयों में हो के अंधा छोड़ दे गलत धंधा, प्रभु क्यों भेजा है, प्रभु ने क्यों भेजा है, हरि ने क्यों भेजा है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है। सुन ले इंसान तू बन कर नादान तू, फिरता क्यों मारा मारा इतना ना कभी बिचारा, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग में क्यों आया है, जग
जग में क्यों आया है। हाँ तो आप सुन रहे हो संगीत और सत्संग के महापर्व के द्वारा ये निर्गुण भजन। आपने कहानी तो सुनी होगी तोते और मैने की। देखिए पक्षियों में भी कितना ज्ञान होता है, पक्षी भी अपना और पराया जानते हैं, भला और बुरा जानते हैं। इसलिए कभी भी हमें किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए, दुख देना नहीं चाहिए। अगर हमारी आंखों के सामने कोई किसी पक्षी को पशु को अगर कष्ट दे रहा हो, दुख दे रहा हो बेवजह, तो हमें उसे रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक जीव है। जितना परमात्मा का निवास, ईश्वर का निवास हमारे तुम्हारे मनुष्य शरीर के अंदर है, उतना ही निवास उस पक्षी और पशुओं के अंदर है। ये दुनिया अपने के साथ में बहुत बड़ा दगा करती है। तुम किसी के साथ में भला करोगे तो आगे चल करके तुम्हें उसका परिणाम गलत ही मिलेगा, यानी नेकी के साथ में बदी है। जो तुमने भलाई की है उस भलाई को वो भूल जाएगा। अगर तुमने कोई छोटी सी गलती कर दी तो उस बात को लेकर के वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये हाल है इस दुनिया का। और जिसको तुम अपना समझ करके बहुत कुछ उसके साथ में कर दो, लेकिन वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा आगे चल। लेकिन प्यारे मैं एक मार्मिक बात और कहूंगा, आध्यात्मिक बात और कहूंगा। ये तो दुनिया की नीति, ये तो दुनिया की रिवाज है, लेकिन मेरा विचार है कि अगर हम अच्छा करेंगे ना, तो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है ना, उसके यहां जो तराजू है वो आपको अच्छे का कई गुना अच्छा करके देगा। आप दुनिया की रीतियों को मत देखो, इस दुनिया को मत देखो, आप अच्छा करते जाओ, आप भला करते जाओ, आपका भला होगा, चाहे सामने वाला करे या ना करे, जिसके साथ में आपने किया वो करे या ना करे, लेकिन परमात्मा आपका भला अवश्य करेगा। उससे कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है। सुनिएगा इस भजन को, बड़ा ही सुंदर निर्गुण भजन है, क्या बता। सुनिएगा मेरे निर्गुण भजन के प्रेमियों, इस सत्संग रूपी गंगा में आइए गोते लगाते हैं। और बताया है इस दुनिया में अपने जो होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, दगा करते हैं, क्योंकि नेकी के साथ में बदी है। प्यारे संसार जोड़े से चल रहा है, कोई मैट नहीं सकता। बोली मैं ना तेरा झूठा बोल
से बोली मेरा खेलों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मेरा, तेरा झूठा मोह जगत में तोते से बोली मेरा, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बच कर रहना। के साथ में नहीं पराया।
भिजवाया, ना माना किसी का कहना। भगवान को मारने के अनेक प्रयत्न किए। और क्या अपनों से बच
अपानंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग के इस महापर्व का। निर्गुण भजन की बहुत सुंदर प्रस्तुति आई रही है आपके बीच में, सुनिएगा। कब क्या हो जाए किसको पता है, जिंदगी तेरी मेरी कथा है। एक समय की बात है कि एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम में गए, वहां उन्होंने भगवान श्री विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु क्या बताएं, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है, धर्म की राह पर चलने वाले जो व्यक्ति है ना, उनको कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, लेकिन जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता देवऋषि नारद, अरे जो भी हो रहा है वो सब नियति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख रहा हूं पापियों को अच्छा फल मिल रहा है प्रभु, भला करने वाले जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं ना, उनको बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटनाओं हो तो मुझे बताओ। नारद ने कहा, अभी एक जंगल में, अभी अभी मेरे साथ हुई है, अभी एक जंगल से मैं आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी प्रभु, कोई उसे बचाने वाला नहीं, तभी एक चोर उधर से गुजर रहा था, निकल रहा था, लेकिन उसने गाय को बचाया नहीं, वो तो उस गाय के ऊपर पैर रख करके उसे लांग करके और निकल गए आगे। आगे चल करके उस चोर को एक सोने की, एक मोहरों की थैली मिली, पोटली मिली, वो बहुत बड़ा धनवान हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि वहां होकर के एक साधु गुजर रहे थे, जा रहे थे, उनको दया आ गई, उन्होंने गाय को बचाने के लिए दलदल से अपने शरीर की सारी ताकत लगा दी और अंत में उन्होंने उस गाय को निकाल दिया। मैंने देखा कि दलदल से गाय को निकालने के बाद साधु आगे गए तो एक गड्ढे में गिर गए, क्या बताएं प्रभु, उनके लग गई, उनको कष्ट हुआ, दुख हुआ, अब बताइए ये कौन सा न्याय है। नारद जी की बात सुनने के बाद प्रभु बोले, यह सही हुआ, हे नारद तुम्हें नहीं पता है, जो चोर गाय पर पैर रख करके भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिली, थोड़ा सा ही धन मिला। अब आप सोचो नारद, उसके किस्मत में, उसके भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन थोड़ी सी मोहरों से ही उसका जो था पाप किया ना उसके कारण थोड़ा सा ही, लेकिन तुम्हें नहीं पता, उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसका पुंड भर गया और उसकी जो मृत्यु थी ना वो थोड़ी सी चोट में बदल गई। इसलिए जो इंसान जैसा कर्म करता है उसका भाग्य वहीं से तय हो जाता है। अब आप सोचिए, जो अच्छे कर रहे हैं उनको अच्छा मिल रहा है, बुरे कर रहे हैं उनको अच्छा मिल रहा है। कहा, प्रभु आपकी बात मैं समझ गया, आपका न्याय बहुत अच्छा है। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा क्या बताया है।
आता नहीं, क्योंकि मौत एक ऐसी कहानी है जो हर एक के जीवन में आनी है। इस मौत से आज तक कोई भी नहीं बच सका है। प्यारे सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर भजन है, आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। खुशी रहे
प्यारे, ये निर्गुण जीवन बड़ा कठिन। भजन बड़ा ही सुंदर है, तन की चादर पुरानी हुई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, कर पतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या। ये तो बात सही है, जब वृद्ध हो जाएं, कितनी भी ब्यूटी पार्लर गलह लें, हैं नहीं नहीं हो सकती। पाप करें और गंगा में नहाएं, डुबकी लगाएं, पाप धुल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भारत की संस्कृति में गंगा महान है, गंगा का जल पवित्र है, शांति देने वाला है, पापों को दूर करने वाला है, लेकिन ये नहीं जो तूने किया है। कर पतन कर्म का दाग धोया नहीं, पूरे कर्मों का पतन अच्छे कर्मों से ही। संघर्ष का सौंदर्य बड़ा ही सुंदर बताया। एक दिन मिट्टी ने मटके से पूछा, मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने में समा लेते, वह तुम्हें गला भी नहीं पाता, ऐसा क्यों? मटका हंसकर बोला, भैया यह सच है कि तू भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी हूं, पर मेरा संघर्ष अलग है। पहले मैं पानी में भीगी, पैरों से गूंथा गया, फिर खुमार के चाक पर चला, थापी की चोट, आग की तपन, ये सब कुछ मैंने सहन किया, संघर्ष झेलने, संघर्ष झेलकर ही मैंने पानी को अपने में रखने की ये ताकत पाई है। भैया ऐसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े तो पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से पूछा, भाई तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, पर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, मुझे पैरों से रौंदते हैं, बिना ध्यान दिए चलते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति के पत्थर ने उत्तर दिया, क्या तू मेरा संघर्ष नहीं जानता? मैंने इस शरीर पर कितनी सहनियों का प्रहार सहे हैं, कितनी चोट झेली हैं, मुझे कई बार घिसा गया है, मारा संघर्ष पीड़ा सहकर ही इस रूप में आया हूं। संघर्षों की भट्टी में तपकर ही जीवन प्यारे स्वर्ण बनता है, इसलिए आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाए। जो जीवन में संघर्ष करते हैं ना, जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें अवश्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान देना, इस भजन को सुनकर अपने जीवन में उतारना, क्योंकि सुनकर के हैं? जब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, अरे आप भागवत सुनते हो, कराते हो, अरे ये कहानियां, ये इतिहास तो हमने न जाने कितनी बार सुन लिए और सुन रहे हैं, लेकिन प्यारे मेरा एक ही कहना है, भागवत सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, बदलाव ना आए, तो वो भागवत सुनना, वो सत्संग सुनना, वो कराना बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। जीवन में बदलाव, जीवन में परिवर्तन ही भागवत है। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं शिरद।
रहेंगे मेरे भजनों के प्रेमियों। ये तन की चादर पुरानी हो गई, इस पर नया रंग चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, ध्यान रखिएगा। तन की चादर पुरानी हुई बाबूरे, तन की चादर पुरानी हुई बाबूरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। प्यारे हमारे भारत की शान संस्कृति में गंगा महान है, लेकिन ये नहीं कि पाप करते रहें और गंगा में डुबकी लगा दे पाप धुल जाए, नहीं। कर पतन कर्म का दाग धोया नहीं, क्योंकि बुरे कर्मों का पतन अच्छे कर्मों के द्वारा ही होगा। जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई मेट नहीं सकता है। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से छिप कर कहां जाएगा। दुनिया वालों से आप कर्म छुपा लो, लेकिन जो घट घट में है हर जगह है, उससे कुछ छिप नहीं सकता। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से छिप कर कहां जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। प्यारे कर्म जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा, फिर रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और क्या बताया है कभी ने, सुनिएगा। घर गृहस्थी में प्रभु का भजन ना करे, रोगी हो करके भोगी का चिंतन करे। कहते महाराज बहुत बीमार है, लेकिन चार पाई पे पड़ा होगा, फिर भी हरि का नाम नहीं भोगों का चिंतन कर रहा होगा जी। घर की रस्ती में हरि का भजन ना करे, रोगी हो करके भोगी का चिंतन करे। मन से माया का पर्दा हटाया नहीं, मन से माया का पर्दा हटाया नहीं, रोज माला घुमाने से क्या फायदा, रोज माला घुमाने से क्या फायदा। प्यारे उस माला को घेरने से कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसी वृत्ति से ऐसे मन से कुछ होने वाला नहीं है। और क्या बताया है, हाँ अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं, प्रेम भक्ति में मस्ती में खोया नहीं। हरि के नाम पर जिसने अपने को मिटा दिया, अपना सब कुछ
कुछ नौछावर कर दिया, हरि के नाम पर उन्हीं का नाम है प्यारे। हाँ अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं, प्रेम भक्ति में मस्ती में खोया नहीं। और खुद तो धर्म के पथ पर चला ना कभी, खुद तो धर्म के पथ पर चला ना कभी, खुद की पूजा कराने से क्या फायदा। तन की चादर पुरानी हुई बावरे, तन की चादर पुरानी हुई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। हाँ तो मेरे सत्संग के प्रेमियों, चलते हैं अपनी बाड़ी को सत्संग में जोड़ते हुए। ये हमारा जीवन एक कुम्हार की गड़े की तरह है, इसी तरह ईश्वर ने इसे बनाकर के हमें दिया है, मगर लेकिन इस जीवन को व्यर्थ में ना गवाएं, कुछ अच्छी कर्म करें, अधर्म का धन ना जोड़ें, क्योंकि अधर्म का धन कभी साथ नहीं जाता, कभी फलता नहीं है। हाल में आपको दिखाई देगा कि मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, मगर लेकिन उसका अंत बुरा होता है। कितनी भी कमाई कर लो, कितना भी धन ले लो, कितनी भी कोठी बना लो, बंगला बना लो, मगर अंत समय पर केवल साथ कफन होता है। उसको भी मरकट में हटा देते हैं। इसलिए हे मन, प्रभु का भजन कर ले, इतना गुमान क्यों करता है। और जिस पर राम नाम धन होता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में धनवान नहीं होता। सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। जब छोड़ी चला इस दुनिया को, बस ओढ़न को तुझे कफन मिले। जब छोड़ चला इस दुनिया को, बस ओढ़न को तुझे कफन मिले।
छाया अनमोली। तेरी बिन मुहूर्त की उठे डोली, तेरी रख दी जाए काया अनमोली। बस रोता छोड़ चला सबको, ओढ़ने को तुझको कफन मिले। जब छोड़ चला इस दुनिया को, बस ओढ़ने को तुझे कफन मिला। जब छोड़ चला इस दुनिया को, बस ओढ़न को तुझे कफन मिला। जब छोड़